साथियों, आज इस वीडियो में हम प्रसिद्ध कवि जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और यह मध्य प्रदेश के निवासी थे, इनका जीवन परिचय देखेंगे। स्टार्ट करता हूँ सीधे। जन्म समय जो क्या है इनका, जन्म तिथि 4 अप्रैल 1889, 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। कार्य क्षेत्र क्या है, तो पत्रकारिता और प्रसिद्ध साहित्यकार थे इनका कार्य क्षेत्र रहा यह। और जन्म स्थान जो है ये बाबई नाम का स्थान है जो कि वर्तमान में होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। माता का नाम सुंदरीबाई था और इनके पिताजी जो थे नंदलाल नाम था इनका। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई यह इनके गांव में ही हुई, जो कि बाबई नाम का गाँव है, यहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा सम्पन्न हुई। और इसके अलावा जबलपुर से प्राइमरी टीचर्स की ट्रेनिंग की इन्होंने 1905 में, और फिर एक नॉर्मल सी परीक्षा पास की थी 1907 में। इनका विवाह ग्यासी बाई के साथ हुआ था। इनकी पत्नी जो थी उनका नाम ग्यासी बाई था। और इनके जीवन की प्रमुख उपलब्धियां क्या रहीं, तो यह सीधे सीधे मैंने पॉइंट टू पॉइंट दी हुई हैं। अध्यापन कार्य प्रारंभ किया था इन्होंने 1906 में, और शिक्षण पद त्याग और तिलक का अनुसरण तो यह 1910 में किया था, जो कि बाल गंगाधर तिलक जी हैं उनका अनुसरण किया था। और शक्ति पूजा लेख पर राजद्रोह का आरोप लगा था इन पर 1912 में। और प्रभा नामक मासिक पत्रिका, प्रभा नाम की एक मासिक पत्रिका थी, उसका संपादन किया था इन्होंने 1913 में। और कर्मवीर से संबंध 1920 में इनका हुआ। और एक प्रताप नाम की पत्रिका थी, इसका भी संपादन का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया, जो कि 1923 में प्रारंभ किया था। और पत्रकार परिषद के अध्यक्ष रहे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट है, पत्रकार परिषद के अध्यक्ष रहे ये 1929 में। और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि रायपुर में ये अधिवेशन हुआ था उस टाइम पर, तो उसके यह सभापति रहे। और भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता रहे ये 1942 में। और सागर विश्वविद्यालय जो कि हरि सिंह और सागर विश्वविद्यालय है, तो इससे इन्हें डीलिट की मानित उपाधि से सम्मानित किया गया, डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया, यह 1959 में सम्मानित किया गया। और इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो माता, कला का अनुवाद, युग, चरण, समर्पण, वेणु लो गूंजे धरा, अमीर इरादे, गरीब इरादे, समय के पाँव, मरण ज्वार, चिंतक की लाचारी और हिमक्रीटनी, साहित्य देवता तथा हिम तरंगणी। तो इस प्रकार की और भी इनकी रचनाएं रहीं, ये प्रमुख रचनाएं थीं। और इन्हें पुरस्कार कौन कौन से प्राप्त हुए, तो बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रमुख पुरस्कार मैंने दिए हैं। हिमक्रीटनी पर देव पुरस्कार, इनकी एक रचना थी हिमक्रीटनी, उस पर इन्हें देव पुरस्कार मिला था 1943 में। और हिम तरंगणी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है 1963 में। और पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे 1963 में। और माता नाम की जो रचना है उस पर इन्हें साहित्यकार संसद प्रयाग द्वारा साहू जगदीश प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 7500 रुपये के साथ ससम्मान अभिनंदन ग्रंथ समर्पित किया गया था 1966 में। और इनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1968 को हुई थी। इनका जो जीवन परिचय है, पूरा जीवन परिचय कंप्लीट हुआ। और इसी प्रकार आप लोग अपने इस चैनल से जुड़े रहें, जिससे अगला जो भी वीडियो रहे वो आपके पास पहुंच जाए। और आप लोग अधिक से अधिक इन वीडियोस को शेयर भी करें, जिससे अन्य मित्रों के पास भी पहुँच जाए। और लगभग सभी, बहुत सारे, सभी तो ना कहें लेकिन बहुत सारे 50 से 60 कवियों के जीवन परिचय मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो परिचय देख सकते हैं।